प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज गुजरात रा वलसाड़ जिला में श्रीमद राजचंद्र मिशन रिन्यारी न्यारी परियोजना वाला लोकार्पण और शिलान्यास में वर्चुअल माध्यम से कर रिया है शिरकत। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया कालरिया जोधपुर दौरा पर बिगड़ती कानून व्यवस्था और अवैध खनन ने ले राज्य सरकार माथे साध्यो निशाणो। कोरोना संक्रमण री रोकथाम ने लेर प्रदेश भर में लगाई जा रही है बूस्टर डोज 75 दिन ताई सरकारी सफाखाना में लगाई जावेली निशुल्क। बर्मिंगम राष्ट्रमंडल खेला में भारत रा खिलाड़ियों रो शानदार प्रदर्शन जारी। भारत रा लवप्रीत सिंह जीतियो कांस्य पदक। महिला क्रिकेट टीम सेमीफाइनल में बनाई जगह। प्रदेश रा दक्षिण पूर्वी इलाका में मानसून फेर सक्रिय। मौसम विभाग रे मुजब पाली और प्रतापगढ़ में हुई बारिश। शाम 5 बजे आ रही राजस्थानी खबर में आप स्वागत है और अब देखा हां खबर विगतवार। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज गुजरात रा वलसाड़ जिला में श्रीमद राजचंद्र मिशन री न्यारी न्यारी परियोजना वालों वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण और शिलान्यास कर रिया है। इन मौके कई लोग मौजूद रिया। हारथी गुरुदेव श्री सुरेश कोटक त्रण बहनों अब आपने लेर चाला हां सीधा प्रसारण मत है। किडनी डायलिसिस और प्रोस्टेट संबंधी समस्याओं के लिए नेफ्रोलॉजी और यूरोलॉजी विभाग। दिमाग से संबंधित समस्याओं के लिए न्यूरोलॉजी विभाग। कैंसर के लिए सर्जिकल ऑन्कोलॉजी विभाग। घनिष्ठ उपचार के लिए आईसीयू विभाग। प्रसूति एवं स्त्री रोग की समस्याओं के लिए ऑब्स्टेट्रिक्स और गायनेकोलॉजी विभाग। छोटे और समय से पहले जन्मे नवजात शिशुओं के लिए पीडियाट्रिक विभाग और एनआईसीयू। अकस्मात एवं आपातकालीन सेवाओं के लिए इमरजेंसी विभाग। एमआरआई सीटी स्कैन सोनोग्राफी के लिए रेडियोलॉजी विभाग। फिजियोथेरेपी विभाग एक्वा थेरेपी से अत्याधुनिक उपचार। हाथों की कार्यक्षमता को वापस लाने के लिए रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी। दिव्यांग बच्चों को विभिन्न उपचारों की सुविधा प्रदान करने डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर। दिव्यांग बच्चों के विकास और उपचार के लिए सेंसरी गार्डन। श्रीमद राजचंद्र हॉस्पिटल कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थान के साथ जुड़ा हुआ है। ये आरोग्य मंदिर प्रतीक है डॉक्टरों के प्रेम भरे स्पर्श से दी जाती स्वास्थ्य सेवा का। बेजुबान घायल और रोगों से ग्रसित प्राणियों का जीवन बचाने का एक सन्निष्ठ प्रयास श्रीमद राजचंद्र एनिमल हॉस्पिटल। 150 वार्ड की क्षमता वाला पशुओं की सेवा के लिए ये एक अनोखा और अद्वितीय हॉस्पिटल होगा। विश्व स्तरीय उपकरणों अत्याधुनिक सुविधाओं और कुशल चिकित्सकों की टीम से सुसज्ज है। पक्षियों से लेकर हाथी तक भिन्न प्रकार के प्राणियों के इलाज हेतु एक सक्षम हॉस्पिटल जहां उपलब्ध होगी डायलिसिस लेजर थेरेपी एंडोस्कोपी और ब्लड बैंक की दुर्लभ सुविधाएं। पूज्य गुरुदेव श्री की निष्कारण करुणा और प्रेम के फलस्वरूप न केवल इन प्राणियों की पीड़ा कम होगी बल्कि उन्हें
एक नया जीवन दान भी मिलेगा। श्रीमद राजचंद्र सेंटर ऑफ एक्सलेंस फॉर वुमेन, ये विशाल प्रोडक्शन यूनिट ग्रामीण महिलाओं को स्वतंत्र और सशक्त बनाने के लिए निर्मित किया गया है। ग्रामीण महिलाओं को शारीरिक, भावनात्मक और आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने हेतु इस केंद्र में कई गतिविधियां होगी, जैसे कि 100 से भी अधिक प्रोडक्ट्स का उत्पादन अत्याधुनिक मशीनों द्वारा, आर्थिक साक्षरता, विभिन्न क्षेत्रों में वोकेशनल ट्रेनिंग, कंप्यूटर प्रशिक्षण, उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता, सिलाई वर्ग, स्वच्छता और स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता, योगा और मार्शल आर्ट्स, कृषि क्षेत्र में सुधार हेतु प्रशिक्षण इत्यादि। परम कृपालु देव और पूज्य गुरुदेव श्री की सर्व मंगल की भावना संपूर्ण विश्व को उजागर कर रही है। सत्पुरुषों का योग बल जगत का कल्याण करे। हवे भारत ना पनोता पुत्र भारत सर्वोपरि मंत्र ने जीवी बतावनार माननीय वडाप्रधान श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने आवो जोरदार तालियों हर्षनाद साथे हृदय उल्लास साथे चित्तना थनगार साथे तेमना प्रेरणादायक उद्बोधन माटे विनंती करिए। नमस्कार, गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल, श्रीमद राजचंद्र जी के विचारों को साकार करने के लिए अहर्निश प्रयत्नरत श्रीमान राकेश जी, संसद में मेरे सहयोगी श्री सीआर पाटिल जी, गुजरात के मंत्रीगण, इस पुण्य कार्यक्रम में उपस्थित सभी महानुभाव देवी और सज्जनों, हमारे यहां शास्त्रों में कहा गया है कि सजीवति गुणायस्य धर्मो यस्य जीवति, यानी कि जिसके गुणधर्म, जिसके कर्तव्य जीवित रहते हैं वो जीवित रहता है, अमर रहता है। जिसके कर्म अमर होते हैं उनकी ऊर्जा और प्रेरणा पीढ़ियों तक समाज की सेवा करती रहती है। श्रीमद रामचंद्र राजचंद्र मिशन धर्मपुर का आज का ये कार्यक्रम इसी शाश्वत भावना का प्रतीक है। आज मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल का लोकार्पण हुआ है तो एनिमल हॉस्पिटल का शिलान्यास किया गया है। इसके साथ साथ महिलाओं के लिए सेंटर फॉर एक्सलेंसीज का निर्माण कार्य भी आज से शुरू हुआ है। इससे गुजरात के ग्रामीणों, गरीबों, आदिवासियों, विशेष रूप से दक्षिण गुजरात के साथियों को, हमारी माताओं बहनों को बहुत लाभ होगा। इन आधुनिक सुविधाओं के लिए मैं राकेश जी को, इस पूरे मिशन को
आपके सभी भक्तजनों को, सेवावृत्तियों को जितना धन्यवाद करूं उतना कम है, जितना अभिनंदन करूं उतना कम है। अनाजे जारी मारी सामे धर्मपुर में वो विशाल जनसागर देखा तो होए, मने मन में हतो के आजे मने राकेश जी ना घना बधी बातों सांभळवा मळशे, पण एमणे बहु टूक में पतावी दीधुं अने एमणे रणछोड़दास मोदी जी ने याद कर्या। हुं आ क्षेत्र साथे खूब परिचित रह्यो छुं, वर्षो पहला तमारा बधाई वच्चे रह्यो, क्यारेक धर्मपुर तो क्यारेक सिदुंबर आप सौनी वच्चे रहेतो हतो। अने आजे आटलो मोटो विकासनो फलक जोऊं अने त्याना लोकोना आटलो बधो, अने मने आनंद ए वातनो थाय के छेक मुंबई थी लोको अहीं आवीने सेवामां जोड़ाता होय छे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया काल जोधपुर दौरा रे दौरान मीडिया सु रूबरू हुआ। डॉक्टर पूनिया प्रधानमंत्री दा घर घर तिरंगा अभियान री गति और समीक्षा खातर तीन जिला रा समीक्षात्मक दौरा माथे रिया। इन दौरान वे राज्य सरकार माथे कानून व्यवस्था और अवैध खनन माथे निशानो साध्या। तीन जिलों का मेरा समीक्षात्मक बैठकों का दौरा था, जिसमें हम लोगों ने पार्टी के बूथ सशक्तिकरण अभियान की, मोर्चों के कामकाज की, और पार्टी का जो बड़ा महत्वाकांक्षी अभियान है हर घर तिरंगा, जिसमें पूरे देश में 20 करोड़ घरों पर तिरंगे, 15 अगस्त को और इसी तर्ज पर राजस्थान के 50 लाख घरों पर केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी की पहल पर, तो उस अभियान के गति की और समीक्षा के लिए आया था। और इस नाते कुछ समय के लिए जोधपुर के कार्यकर्ताओं से रूबरू होऊंगा। मुझे लगता है कि अब भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से संगठनात्मक पुष्टि के बाद में राजनीतिक चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए भी तत्पर है। अवैध खनन के खिलाफ 551 दिन के आंदोलन के बाद अपने आप को आत्मदाह करके अपने आप को आहूत कर दिया, एक ऐसा प्रश्न था जो सरकार की कानून व्यवस्था पर, अवैध खनन पर प्रश्न खड़े करता है। कुल मिलाकर मेरा दौरा संगठनात्मक ज़्यादा था, और उस दौरान मुझे पश्चिमी राजस्थान की और ख़ासतौर पर सीमा क्षेत्र की, क्योंकि मैं बहुत सुदूर तनोट माता से लेकर पूनम नगर के उन तमाम मंडलों तक मैं गया हूं, मुझे संतुष्टि हुई कि सीमा क्षेत्र पर भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बहुत मजबूती से बूथ की सशक्तिकरण का काम कर रहे हैं। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री परसादी लाल मीणा बढ़ती मौसमी बीमारियां रा प्रकोप रे बीच सैंपलिंग बड़ा बारा निर्देश दिया है। लगातार बढ़ रिया कोविड संक्रमण खातर भी विभाग ने अलर्ट मोड माते रेबा खातर कयो है। वे कया का बुखार, खांसी और जुखाम रा मरीजा री भी कोविड री जांच करी जावे। चिकित्सा मंत्री काल स्वास्थ्य भवन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रे जरिए ये दिशा निर्देश दिया। इन रे साथे ही मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना री प्रगति री भी समीक्षा करी। मुख्य सचिव उषा शर्मा राज्य में बढ़रिया पशुआ में लंपी बीमारी री रोकथाम खातर जिला स्तरीय बैठक लेनी। इन बैठक में काल राज्य रा 10 जिला कलेक्टर और पशुपालन विभाग रा जिला स्तरीय अधिकारियों रे साथे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर जरूरी दिशा निर्देश दिया। वणा प्रदेश में मवेशिया में फैल रही लंपी स्किन डिजीज री स्थिति और रोकथाम खातर कराया जा रहा प्रयासा री पुनः समीक्षा करी। मुख्य सचिव उषा शर्मा काल शासन सचिवालय में सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग री न्यारी न्यारी योजना वाली समीक्षा बैठक री अध्यक्षता करी। मुख्य सचिव विभाग री फ्लैगशिप योजना में सम्मिलित कई सामाजिक पेंशन योजना वाला एडा लाभार्थियों रे साथे पालनहार योजना रे तहत टाबरा री जिलेवार वार्षिक भौतिक सत्यापन ने सुनिश्चित करवा खातर भी कयो है। कोरोना संक्रमण री रोकथाम ने लेर प्रदेश भर में पहली और दूसरी डोज रहे पछे अब बूस्टर डोज भी निशुल्क लगाई जा रही है। मेडिकल और हेल्थ रा प्रोजेक्ट डायरेक्टर डॉक्टर रघुराज सिंह बताया कि 18 वर्ष से ऊपर आयु वर्ग रा लोगों ने पहली और दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। वटे केंद्र सरकार का निसु अमृत महोत्सव रे तहत 75 दिन तक बूस्टर डोज भी सरकारी सफाखाना में निःशुल्क लगाई जा रही है। वैक्सीनेशन का जो अगर हम डेटा देखते हैं तो 99.1% हमारी प्रथम डोज लग चुकी है 18 प्लस के लाभार्थियों को, और 91% के करीब हमारी सेकेंड डोज लग चुकी है। अभी तक हमने जो प्रिकॉशन डोज लगाई वो 8.3% के करीब ही लगी है,
और एज ग्रुप वाइज अगर हम देखते हैं बच्चों का, 12 से 14 साल के बच्चों के लिए, तो उनका हमने 73% के करीब फर्स्ट डोज लगा दी है और 55 के करीब हमने सेकेंड डोज लगा दी है। 15 से 18 साल के जो बच्चे हैं उनका हमने 75% के करीब प्रथम डोज और 75 के अगर हम देखते हैं कि सेकेंड डोज कितनी लगी है तो वो हमारी 78 के करीब लग चुकी है। अभी अमृत महोत्सव अभियान के अंतर्गत 75 दिन के लिए भारत सरकार ने 18 प्लस के लिए भी प्रिकॉशन डोज सभी सरकारी संस्थाओं पर निःशुल्क उपलब्ध करवाई है। तो ये हमारा जो अभियान है वो 30 सितंबर तक चलेगा, तो जितनी जल्दी हो हम इस प्रिकॉशन डोज को आवश्यक रूप से लगवाएं और सुरक्षित रहें। जानवरों में फैल रही लंपी स्किन बीमारी ने लेर विशेषज्ञ खास एहतियात बरतवारी सलाह देनी है। इन लेर अधिकारियों रो कहना है कि साफ सफाई रे साथे संक्रमित पशुआ ने न्यारो न्यारो राख्यो जावे वटे रोग रा लक्षण दिखाई देवे पर पशु चिकित्सका सु जांच करावे। आजादी रा सफर माए आज मैं राष्ट्रवादी नेता फिरोज शाह मेहता ने श्रद्धांजलि देवेला। इनरे साथे ही मैं शहीद रामकृष्ण विश्वास ने याद करेला। इनरे अलावा शहीद लाल सिंह अरंगा खारी पुण्यतिथि माथे वणा ने भी याद कर रहा। पेश है एक रपट। आज हम राष्ट्रवादी नेता फिरोज शाह मेहता को याद कर रहे हैं, जिनका जन्म 4 अगस्त 1845 को बॉम्बे में हुआ था। मेहता ने 1864 में लिंकन्स इन में प्रवेश किया और बार के लिए योग्यता प्राप्त की। इंग्लैंड में रहते हुए वो दादा भाई नौरोजी से मिलने जाया करते थे और ये मुलाकातें उनके उदार दृष्टिकोण को ढालने में महत्वपूर्ण साबित हुई। केटी तैलंग और बदरुद्दीन तैयब जी के अलावा रानाडे गोखले, दिनशॉ वाचा, उमेश चंद्र बनर्जी और बाल मोहन वागले उनके कुछ करीबी दोस्त थे। शिक्षा के प्रति वो जीवन भर आकर्षित रहे। फिरोज शाह मेहता ने शिक्षा को ऐसा माध्यम माना जिसके जरिए भारत तेजी से अपना आधुनिकीकरण कर सकता है। उन्होंने स्वदेशी बैंक यानी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना में मदद की। मेहता को मुख्य रूप से आधुनिक बॉम्बे नगर निगम के संस्थापक के रूप में याद किया जाता है, जिसे उन्होंने लगभग आधी शताब्दी तक विशिष्ट तरीके से बढ़ावा दिया और वहां सेवा की। वो मुख्य रूप से अंग्रेजी समाचार पत्र बॉम्बे क्रॉनिकल की स्थापना के लिए जाने जाते थे, जो राष्ट्रवादी आंदोलन के प्रति भारतीय जनता की राय व्यक्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन बन गया था। न्यायमूर्ति तैलंग के साथ उन्होंने 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की और इसके सचिव के रूप में कार्य किया। फिरोज शाह मेहता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में शामिल थे। उन्होंने 1890 में कलकत्ता में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की। अध्यक्षीय संबोधन में फिरोज शाह मेहता ने कहा, साथियों, वो तमाम आंदोलन जिन्हें लेकर हम चिंतित हैं वो कई चरणों से गुजरते हैं। पहला चरण होता है उपहास का, दूसरा होता है दुष्प्रयोग का, जिसके बाद मिलती है कुछ रियायत और वो भी आंदोलन को और आगे न बढ़ाने की चेतावनी के साथ, और इन सब का अंतिम चरण वो होता है दोस्तों जब आंदोलन के मकसद को अपनाया जाता है, लेकिन इस हैरत के साथ कि इसे पहले क्यों नहीं अपनाया गया। हमने पहले दोनों चरण पार कर लिए। आज हम शहीद रामकृष्ण विश्वास को भी याद कर रहे हैं, जो बंगाल के चटगांव के निवासी थे, जो कि अब बांग्लादेश में हैं। वो मास्टर दास सूर्य सेन के चटगांव के क्रांतिकारियों के समूह के सदस्य थे। उन्हें मास्टर दास ने पुलिस महानिरीक्षक क्रेग की हत्या करने का निर्देश दिया था। वे रामकृष्ण काली चक्रवर्ती के साथ 1 दिसंबर 1930 को चांदपुर स्टेशन गए। उन्होंने क्रेग समझकर कोमिला के चांदपुर में इंस्पेक्टर तारिणी मुखर्जी को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। पुलिस ने उनका पीछा किया और उस जगह से करीब 22 मील दूर उन्हें पकड़ लिया गया। अदालत में उन पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें मौत की सजा सुनाई गई। रामकृष्ण श्री गंगानगर माए तस्करा के खिलाफ पुलिस री कार्रवाई जारी है। सीमा पार पाक तस्करा सू हेरोइन री खेप लेबा आया 8 तस्करा ने पुलिस गिरफ्तार करया है। श्री करणपुर क्षेत्र में पंजाब राइन तस्करा सू 1 कार, बाइक, 9 फोन जब्त करया गया है। पूछताछ माए तस्कर 24 किलो हेरोइन आबारी बात कबूली है। ये अपने दर्शिंगपुर थाना इलाके से लेके ये लगभग 1.5 महीने पहले भी आए हो, तो लगभग 10 किलो के आसपास हीरोइन तस्करी करके लेके गए। बॉर्डर के जो थाना इलाके हैं, हमने विशेष गश्त शुरू कर दी। हमने अभी कुछ दिन पहले भी हमने प्रातः सुबह 4 बजे से 7 बजे नाकाबंदी कराई और हमारे
कुछ जो विशेष जो कांस्टेबल और थाना अधिकारी को बिल्कुल सचेत कर दिया है और हमें समय समय पर नाकाबंदी करके आसूचना पत्र करके ये कार्रवाई कर रहे हैं। राजसमंद जिला रा कुंभलगढ़ में परशुराम महादेव मंदिर में फूटा देवल मेलो पूरो हो गयो है। तीन दिन ताई चालबा वाला इन मेला में आदिवासी समुदाय रे साथे दूजा लोग भी बढ़ चढ़ भाग लिनो। सावन रा महीना में भरवाला इन मेला में कई सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित कराया गया। पुलिस प्रशासन सुरक्षा रा खासा इंतजाम करया। यहाँ पर हमारे आसपास के इलाके के लोग आते हैं और अधिकतर यहाँ पर आदिवासी बाहुल्य इलाका है। यहाँ लोग आते हैं, यहाँ पर भोजन प्रसादी का इंतजाम होता है। यहाँ पर लगभग 40,000 लोगों का भोजन प्रसादी का यहाँ पर आयोजन हुआ है। यहाँ पर देश के बहुत ही प्रसिद्ध कलाकार जगह बेजगह से महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली के कलाकार आते हैं और पूरी रात ये भजन संध्या यहाँ पर चलती है। कुंभलगढ़ में ये परशुराम महादेव जी का सीकर रा फतेहपुर शेखावाटी माए भगवान शिव रो तिरंगा श्रृंगार करो गयो है। हर घर तिरंगा अभियान री तर्ज माथे मंदिर रा शिवलिंग ने तीन रंगा सू सजायो गयो है। साथ ही तिरंगा री थीम माथे मंदिर माए रोशनी करेगी है। लोग कया के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा आह्वान माथे में यो श्रृंगार करया हा। जी पूरे सावन के महीने मैंने रंग बिरंगे श्रृंगार करते हैं हम और झांकी सजाते हैं। आज हमने तिरंगे के अंदर झांकी सजाई है भोलेनाथ बाबा की। हमारे यहाँ पे आज तिरंगे की झांकी निकाली है, उसमें धूप से, फूलों से और खिलियों से सजावट की गई है और अमृत महोत्सव के तहत हमें ये आइडिया आया कि आज अपन तिरंगे की झांकी निकालते हैं। प्रधानमंत्री जी हमको आइडिया मिला है कि जब प्रधानमंत्री जी 12 दिन का 13 दिन का ये प्रोग्राम रख रहे हैं तो उसके तहत अपन भी भूतनाथ बाबा की तिरंगे का श्रृंगार किया जाए। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेला में भारत रा खिलाड़िया रो शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत रा तेजस्वनी शंकर हाई जंप स्पर्धा में कांस्य पदक जीत रो इतिहास रचो है। यो राष्ट्रमंडल खेला री इन स्पर्धा में भारत रो पहलो पदक रियो। इन रे अलावा स्क्वाश माए सौरभ घोषाल पुरुष एकल माए कांस्य पदक जीत्यो। वटे ही तुलिका मान जूडो माए रजत पदक जीत लियो है। जिन रे पछे भारत जूडो माए कुल 3 पदक हासिल कर्या है। गुरद्वीप सिंह 390 किलो वजन उठार कांस्य पदक आप रे नाम कर्या। वटे ही लवप्रीत सिंह पुरुषारा 109 किलोग्राम भार वर्ग माए 355 किलो वजन उठार कांस्य पदक जीत्यो। साथ ही महिला क्रिकेट टीम भी सेमीफाइनल माए जगह बना ली है। बरकरार रखा लवप्रीत ने स्नैच में 163 तो क्लीन एंड जर्क में 192 किलोग्राम का वजन उठाकर कुल 355 का वजन उठाकर कांस्य पदक अपने नाम किया। हमने अपना तो लाइव बेस्ट दिया है मैंने ये तो सर सभी मेहनत करके आए हैं सही था जो भी। लवप्रीत के मेडल जीतते ही बधाइयों का सिलसिला शुरू हो गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ट्वीट कर उन्हें बधाई दी। अपने ट्वीट संदेश में राष्ट्रपति ने कहा भारतीय भारोत्तोलक लगातार शानदार प्रदर्शन कर देश का गौरव बढ़ा रहे हैं। राष्ट्रमंडल खेलों में भारोत्तोलन में कांस्य पदक जीतने के लिए लवप्रीत सिंह को बधाई। उन्हें भविष्य की प्रतियोगिताओं में सफलता के लिए मेरी शुभकामनाएं। वहीं प्रधानमंत्री ने ट्वीट के माध्यम से दिए गए अपने संदेश में कहा पुरुषों की 109 किलोग्राम भारोत्तोलन में कांस्य पदक जीतने के लिए प्रतिभाशाली लवप्रीत सिंह को बधाई। युवा और ऊर्जावान लवप्रीत ने अपने शांत स्वभाव और खेल के प्रति समर्पण से सभी को प्रभावित किया है। उन्हें भविष्य के सभी प्रयासों के लिए शुभकामनाएं। खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने लवप्रीत सिंह की जीत पर उन्हें बधाई देते हुए ट्वीट किया। उन्होंने लिखा लवप्रीत सिंह को NSNIS पटियाला में नेशनल कैंप में जगह बनाने में 7 साल की मेहनत लगी, उसके बाद से उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। राष्ट्रमंडल खेलों में आपके पदक के लिए बधाई। चैंपियन आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। अमृतसर के गांव बल सिचंदर के रहने वाले लवप्रीत के घर में कांस्य पदक आने की खुशी कुछ इस कदर दिखाई दी।
जाहिर तौर पर लवप्रीत की दृढ़ता ने उन्हें यहाँ तक पहुँचाया है और जिस तरह से वो खुद को आगे बढ़ा रहे हैं वो आने वाले समय में न केवल उनके करियर को बल्कि देश को भी विश्व पटल पर एक नई पहचान दिलाएगा। बारबाडोस नेशनल राइफल एसोसिएशन राजस्थान राइफल एसोसिएशन कानीसु जयपुर में ट्रायल शॉटगन रो आयोजन करो जा रो है। इणमाए पूरा देश रा 150 खिलाड़ी भाग ले रहा है। इणमाए सु चयनित खिलाड़ी भारत रो प्रतिनिधित्व करेला। इसमें पूरे देश से लगभग 150 खिलाड़ी जो टॉप खिलाड़ी हैं जो इंडियन टीम का पार्ट बनेंगे आने वाली वर्ल्ड चैम्पियनशिप में वो यहाँ कम्पीट कर रहे हैं। 5 दिन तक ये कार्यक्रम चलेगा जिसमें ट्रैप और स्कीट के मैचेस होंगे। ट्रैप का आज आखिरी दिन है और कल से स्कीट के मैचेस चालू हो जाएंगे। इसमें जो भी खिलाड़ी सिलेक्ट होंगे वो भारत का रिप्रेजेंटेशन करेंगे वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स में जो क्रोएशिया में होने वाली है सितंबर के महीने में। इसमें टॉप खिलाड़ी हर डिसिप्लिन के टॉप खिलाड़ी जयपुर आए हुए हैं और जो नए खिलाड़ी हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा मौका होता है चैम्पियन खिलाड़ी इसको देखने का और उनसे कुछ गुर लेने का। इसमें राजस्थान के जो प्रमुख खिलाड़ी जो सभी आगे चल रहे हैं वो विवान कपूर हैं जो ऑलरेडी टॉप पे चल रहे हैं। जी अभी सिलेक्शन ट्रायल्स चल रही है वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स जो हो रहे हैं क्रोएशिया में, तो उसके लिए टीम सिलेक्शन के लिए वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स यहाँ पर जयपुर को अलॉट की गई थी। तो ये आई थिंक इस साल का पहला NRI कॉम्पिटिशन है जो हमारी रेंजेस पे हो रहा है। प्रदेश राज दक्षिणी पूर्वी इलाका में मानसून फिर सक्रिय हो गयो है। मौसम महकमारा निदेशक राधेश्याम शर्मा बताया का आबा वाला 5-6 दिन में कोटा उदयपुर भरतपुर और जयपुर समेत प्रदेश रा अधिकांश भागा में भारी बिरखा की संभावना है। बीते 24 घंटा में पाली और प्रतापगढ़ में भारी बिरखा दर्ज हुई है। खबरा में खास और मोटी खबर एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात रा वलसाड जिला में श्रीमद राज चंद्र मिशन रही न्यारी न्यारी परियोजना वाला लोकार्पण और शिलान्यास में वर्चुअल माध्यम से कर रहा है शिरकत। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. सतीश पुनिया कालरिया जोधपुर दौरा पर बिगड़ती कानून व्यवस्था और अवैध खनन नले राज्य सरकार माथे साध्यो निशानो। कोरोना संक्रमण री रोकथाम ने लेर प्रदेश भर में लगाई जा रही है बूस्टर डोज। 75 दिन तक सरकारी सफाखाना में लगाई जावे ले निःशुल्क। बर्मिंगम राष्ट्रमंडल खेला में भारत रा खिलाड़ियों रो शानदार प्रदर्शन जारी। भारत रा लवप्रीत सिंह जीतियो कांस्य पदक। महिला क्रिकेट टीम सेमीफाइनल में बनाई जगह। और प्रदेश रा दक्षिण पूर्वी इलाका में मानसून फेर सक्रिय। मौसम विभाग रे मुजब पाली और प्रतापगढ़ में हुई भारी बारिश। इंद्र साथ ही राजस्थानी समाचार बुलेटिन पूरो हुयो तो राम राम सा।